hello everyone i welcome you on the behalf of rasa international school i hope you all are doing good and safe at home today in this video we are going to cover about chapter number 3 of class 6 which is fiber to fabric in this video we are going to discuss about following topics jute and properties of jute which is from your book page number 36 टू पेज नंबर थर्टी सेवन लेट स्टार्ट वीडियो बुक पेज नंबर थर्टी सिक्स जूट जूट पॉपुलरली नोन एज गोल्डन फाइबर सो जूट को हम नॉर्मली किस फाइबर के नाम से जान सकते हैं इसे हम गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं क्योंकि इसका जो कलर होता है थोड़ा सा गोल्डन कलर का होता है इट आल्सो एन इंपॉर्टेंट नेचुरल फाइबर ये एक इंपॉर्टेंट नेचुरल फाइबर है आफ्टर कॉटन कॉटन के बाद जूट प्लांट नीड्स हाई टेम्परेचर एंड प्लेंटी ऑफ रेनफॉल टू ग्रो जूट को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए होता है जूट को ग्रो करने के लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है और बहुत रेनफॉल मतलब इसे काफ़ी ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है इट ग्रोज बेस्ट इन soil दैट कंटेन्स सेंड silt एंड क्ले ये किस टाइप की सॉइल में अच्छी तरीके से ग्रो करता है ऐसी सॉइल में जिसमें सैंड होती है सिल्ट होती है और क्ले होती है एलुवियल सॉयल इज बेस्ट सूटेड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ जूट इसलिए जो एलोवियल सॉयल होती है वो बेस्ट सुटेड मानी जाती है बेस्ट सॉइल मानी जाती है अगर हमें जूट का कल्टिवेशन करना है अगर हमें जूट ग्रो करनी है तो इन इंडिया इट इज़ मेजरली ग्रोन इन सुंदरबन डेल्टा इंडिया में ये नॉर्मली और मेजरली कहाँ पर ग्रो की जाती है सुंदरबन डेल्टाज में ग्रो की जाती है सबसे ज़्यादा ग्लोबली इंडिया is the लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट प्रोडक्ट्स पूरे विश्व में इंडिया जूट का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मतलब सबसे ज़्यादा जूट कहाँ बनती है इंडिया में बनती है द प्रोसेस ऑफ ऑप्टेनिंग जूट यान फ्राम द प्लांट इज एज फॉलोज अब जूट प्लांट से कैसे हमें यान मिलता है यान ऑप्टेन होता है उसकी जो प्रोसेस है वो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं देख लेते हैं द हारवेस्टेड स्टॉक ऑफ द प्लांट आर सोक्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज अंटिल दे स्टार्ट रोटनिंग तो हम क्या करते हैं जो भी हार्वेस्टेड स्टॉक होता है मतलब जो भी स्टॉक जो भी हमने काटा होता है स्टॉक उसको हम क्या करते हैं उसमें वाटर को सूख करते हैं वाटर में सोख करते हैं उसको मतलब उसको हम वाटर में रख देते हैं और कब तक रखते हैं जब तक वो थोड़ा सा रोटिंग यानी कि वो थोड़ा सड़ना स्टार्ट नहीं हो जाता दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीटिंग इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं इस प्रोसेस को हम कहते हैं रीटिंग रीटिंग सॉफ्ट इन द बॉन्ड बिटवीन द फाइबर एंड द इनर कोर अब ये वाटर में सोक करने की वजह से यानी रीटिंग की वजह से क्या होता है जो भी इनर बॉन्ड्स होते हैं ना फाइबर्स के वो क्या हो जाते हैं वो थोड़े से लूज जाते हैं द सेपरेशन ऑफ फाइबर नाउ बिकम्स ईजियर और जो भी फाइबर का सेपरेशन होता है ना जो भी हमें अब धागा चाहिए जो भी हमें फ़ाइबर चाहिए उसका जो सेपरेशन होता है वो आसान हो जाता है इसको वाटर में सोक करने से द फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द रोटिंग स्टैम और जो भी सड़े हुए स्टैम्स होते हैं उनमें से हम क्या करते हैं उनमें से हम फाइबर्स को निकाल लेते हैं द फाइबर्स आर मेड इं टू यन बाई ट्विस्टिंग द स्ट्रांथ और फिर हम फाइबर से यान कैसे बनाते हैं दो फाइबर फाइबर्स को लेते हैं और उनको क्या करते है ट्विस्ट किया जाता है टुगेदर जिससे कि क्या बनता है यान बनता है स्ट्रांथ बनता है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यान फ्रॉम द फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पिनिंग यान से फाइबर से यान बनाने की प्रोसेस को द स्ट्रोंग थ्रेड मेड फ्रॉम जूट फाइबर्स आर यूज इन मेकिंग सेक्स तो नॉर्मली जो जूट फाइबर है जूट से बने जो थ्रेड्स होते हैं उनका यूज़ किस में किया जाता है सैक बनाने में यूज़ किया जाता है यानी कि जो बोरियाँ होती हैं थैले होते हैं उन्हें बनाने में यूज़ किया जाता है जूट यान एंड ट्विंस आर ऑल्सो वन इन टू करटिन चेयर कवरिंग्स कारपेट्स एंड रग्स जूट को और कुछ फाइबर्स यानी कुछ छोटी छोटी रस्सियों को मिला के क्या किया जाता है ये कर्टिन बनाने में भी काम आते हैं कारपेट्स बनाने में भी काम आते हैं कुछ रग्स यानी कि जो नॉर्मली रफ कपड़े हम यूज़ करते हैं घरों में उनको बनाने में भी ये यूज़ किए जाते हैं आफ्टर दैट लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ जूट कि जूट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं इट इज़ अ नेचुरल फाइबर विद अ गोल्डन सिल्की शाइनी एंड हैं इट प्रॉपरली नोन एज गोल्डन फाइबर तो ये एक नेचुरल फाइबर है जो कि कैसा होता है थोड़ा गोल्डन होता है इसलिए हम इसको गोल्डन फाइबर भी कहते हैं ठीक है इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम पॉपुलरली नोन एज गोल्डन फाइबर इट इज़ बायोडिग्रेडेबल एंड रिसाइकलेबल एंड दज इन्वायरमेंट फ्रेंडली ये क्या होता है ये बायोडिग्रेडेबल होता है जैसे कि कॉटन होता है ना बायोडिग्रेडेबल मतलब नेचर में मिल जाता है नेचर को पॉल्यूशन नहीं फैलाता ऐसे ही क्या होता है ये भी बायोडिग्रेडेबल है नेचर में मिल जाता है नेचर, जाता है, नेचर, जाता है, नेचर, जाता है, नेचर को हार्म नहीं करता इसलिए इस ये क्या है इन्वायरमेंट फ्रेंडली है बिकॉज ये पॉल्यूशन नहीं करता इट इज़ अ कोस फाइबर ये कैसी फाइबर ये ठोस फाइबर है थोड़ी सी और राइट जूट फाइबर्स आर नॉट सो स्ट्रांग एज कंपेयर टू अदर बास्ट फाइबर एंड ब्रेक्स ईजिली जूट फाइबर क्या होती है? fibers होते हैं कुछ बास्ट फाइबर्स होते हैं उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती तो ये जल्दी टूट जाती है एट ब्रेक्स ईजीली बेटर क्वालिटी फ़ाइबर्स हैव फेयरली हाई लस्टर जो बेस्ट क्वालिटी के फाइबर होते हैं जूट के वो क्या होते हैं थोड़े से लस्ट्रस होते हैं मतलब थोड़े से चमकीले होते हैं एंड इन्फीरियर क्वालिटी फ़ाइबर्स शोज़ मैट एंड पिटेड सरफेस और जो थोड़े से इन्फीरियर क्वालिटी मतलब थोड़े सी लो क्वालिटी के होते हैं वो कैसे होते हैं वो मैट एंड पिट होते हैं थोड़े से रफ़ होते हैं सो नाओ लेट्स डिस्कस अबाउट द अदर प्लांट्स फाइबर नेक्स्ट इज क्वार कैटेगरी क्या है इसकी ये किससे मिलता है हमें ये एक फ्रूट फाइबर है मिलता किससे है देख लेते हैं को शॉर्ट फाइबर ऑप्टेन फ्रॉम द आउटर शेल ऑफ कोकोनट और राइट तो ये किससे मिलता है हमें आउटर शेल ऑफ कोकोनट से मिलता है इसका यूज क्या है इन मेकिंग रोप्स फिशिंग नेट्स एंड मैट्रिसेस इसको हम रोप बनाने के लिए फिशिंग नेट्स बनाने के लिए और मैट्रिसेस बनाने के लिए यूज़ करते हैं नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्लैक्स फ्लैक्स क्या है एक बास्ट फाइबर है ये मिलता कहाँ से हमें स्ट्रांगेस्ट प्लांट फाइबर ऑप्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द प्लांट ऑल राइट ये स्ट्रोंगेस्ट प्लांट फाइबर है फ्लैक्स जो कि हमें किससे मिलता है जो कि हमें स्टेम ऑफ द प्लांट से मिलता है इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट फाइबर टू बी यूज इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ये वन ऑफ दैट फाइबर है जो कि सबसे पहले यूज किए गए थे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में फ्लैक्स इन मेकिंग लिन फैब्रिक विच इज़ वैल्यूड फॉर इट्स एक्सेप्शनल कूलनेस इन हॉट वेदर जितने भी लिनिन फैब्रिक होते हैं वो फ्लैक्स के थ्रू ही बनाए जाते हैं जो कि बहुत कूल cool होते हैं पहनने में भले ही वेदर कितना भी हॉट होता है ऑल राइट right, तो फ्लैक्स इसलिए बहुत प्रचलित है बहुत फेमस है फ्लैक्स की बात हम देख लेते हैम्प हैं हैं हेम्प भी एक बास्ट फाइबर है स्ट्रांग एंड ड्यूरेबल फाइबर कंटेनिंग सेवेंटी परसेंट सेल्यूलोर्स तो ये एक स्ट्रॉन्ग फाइबर है और ड्यूरेबल फ़ाइबर है मतलब ये बहुत ताकतवर यानी कि स्ट्रोंग फाइबर है और ड्यूरेबल यानी लंबे समय तक चलता है इस फाइबर से बने हुए कपड़े क्या होते हैं जल्दी ना तो फटते हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग फाइबर है और एक ड्यूरेबल फाइबर है यानी कि लंबे समय तक चलते हैं इसमें लगभग कितना सेवेंटी परसेंट ऑफ सेलुलज होता है इसका यूज़ क्या होता है इन मेकिंग रोप्स कैनवास पेपर एंड लेन लाइक फैब्रिक तो इसका यूज़ हम किस में करते हैं नॉर्मली रोप्स बनाने की क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ बहुत होती है स्ट्रॉन्ग बहुत होता है तो इसको रोप बनाने के लिए कैनवास जो टेंट होते हैं तो टेंट के ऊपर जो हम लगाते हैं उन्हें हम कहते हैं कैनवास तो उसको बनाने में इसका यूज़ किया जाता है ताकि ये फटे नहीं क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेंथ इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं ऑल राइट right, तो अभी हमने ये पढ़ लिया कि कुछ अदर फाइबर भी होते हैं जो कि जूट से भी स्ट्रांग होते हैं थैंक यू सो मच फॉर टुडे आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एट योर होम्स थैंक यू सो मच